हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4, जो कि है इलास्टिक स्ट्रिंग्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इजी चैप्टर भी है ये हमारा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि हुक्स ने एक लॉ दिया था, तो हम वो लॉ सबसे पहले, हुक्स ने जो इलास्टिक स्ट्रिंग के ऊपर रिसर्च की थी, उसी रिसर्च से एक फार्मूला हमें दिया था, जिसी के बेस पर हम आगे इसमें सभी काम करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए आपका आपके पास दो पॉइंट है, ओ एक पॉइंट है और एक ए पॉइंट है, और आपके पास कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है, जैसे घर में रबड़ होती है जो मैंने भी ली है। देखिए, ये मैंने एक आपके सामने ये ली है मैंने रबड़। इस रबड़ को मैं अगर ए पर फिक्स करता हूँ, देखिए ए पर मैंने फिक्स किया, और ये ए तक, ओ ए, ये ओ ए, अगर मैं इसको पूरी को स्ट्रेच करता हूँ, मतलब कि नॉर्मली जिसकी इसकी लेंथ है, ये ओ ए, ओ ए इसकी नेचुरल लेंथ है इस रबड़ की, आप देखेंगे तो ओ से लेके ए तक इसकी क्या है, नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ के किसे बोलते हैं, यानी कि स्ट्रेच किए बिना जो रबड़, जो हमारी रबड़ है या इलास्टिक की कोई भी चीज है, जो उसकी लेंथ होती है, उसे हम बोलते हैं वो क्या है, हमारी नेचुरल लेंथ है। इसे हम शो करते हैं एल से, थ्रू आउट दी चैप्टर हम नेचुरल लेंथ को शो करेंगे किससे, एल से। ये मैंने एल से इसको शो किया है। अब आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं ये, क्योंकि ये इलास्टिक स्ट्रिंग है, इसका एक एंड फिक्स है और दूसरे एंड को मैं स्ट्रेच करता हूँ, ये मैंने इसको स्ट्रेच किया जहाँ तक ये स्ट्रेच हो सकती है इजिली, तो ये आपकी जो स्ट्रिंग है यहाँ तक स्ट्रेच हो जाती है। इससे आगे, इस पॉइंट से आगे मैं अगर इसे स्ट्रेच करूँगा तो ये ब्रेक हो जाएगी। तो यानी कि ये हमारी ए से लेके बी पॉइंट तक, जो लास्ट पॉइंट आपको नजर आ रहा है, अभी मैं वहाँ पर बी लिखूंगा, तो इस बी पॉइंट तक जो है, ये हमारी ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक इसकी क्या कहलाएगी, एक्सटेंडेड लेंथ कहलाएगी। तो देखिए, ये बी पॉइंट आपका यहाँ पर बन रहा था लगभग लगभग, तो ये बी, यानी कि ये बी है आपका। तो ये ओ से ए तक, जो ये ओ ए से बी तक जो हमारी है, क्या कहलाएगी, एक्सटेंडेड लेंथ कहलाएगी। इसे हम शो कर रहे हैं एक्स से, यानी यहां से लेके यहां तक, ये हमारी एक्स लेंथ है ए से बी तक। और ओ से ए तक हमारी जो नेचुरल लेंथ थी इलास्टिक स्ट्रिंग की, वो कितनी थी, एल थी, और ये एक्सटेंडेड लेंथ आई है जो हमारी, यानी एक्सटेंड करने के बाद जो लेंथ आई है हमारी, वो कितनी है, एक्स है। कई बार देखिए क्या दिया होता है हमें, ये हम ऐसे भी मेजर कर लेते हैं कि ओ से लेके बी तक की जो टोटल लेंथ है हमारी, जो मेरी अगर ओ से बी तक की जो टोटल लेंथ है, वो अगर मैं उसे नाम दूं कि वो कैपिटल एल है, ओ से, ये ओ से बी तक ये हमारी टोटल लेंथ है, और ये ए मेरा बीच में पॉइंट था, तो जो ए से बी तक होगी हमारी, ये तो मैंने ली एल लेंथ कंप्लीट, और ये ओ से ए तक आपकी एल थी, तो जो ये ए से बी तक है हमारी एक्सटेंडेड लेंथ, तो ये कितनी बनेगी, ये बनेगी टोटल लेंथ में से हम इस, यानी कि ये पूरी यहाँ तक एल तक, पूरी कैपिटल एल है और इतनी स्मॉल एल है, यानी एक्सटेंडेड लेंथ कितनी आई, इस पूरे लेंथ में से इस ओ ए को हम माइनस कर देंगे, ये क्या होगी, एल माइनस एल। तो ये वाला कंसेप्ट भी हम कई बार यूज करेंगे, तो कई बार इस तरीके से निकालेंगे और कई बार इस तरीके से दी होगी, जिस भी तरीके से हमें गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें करना होता है। तो यानी कि आपको पहले समझना होता है नेचुरल लेंथ क्या होती है, जो लेंथ हमें एस टी दी होती है, जो हमारी हमारी इलास्टिक स्ट्रिंग है, उसकी जो लेंथ है विदाउट स्ट्रेचिबिलिटी, वो क्या है, हमारी नेचुरल लेंथ है। तो मैं अगर नेचुरल लेंथ को शो करता हूं, नेचुरल लेंथ है हमारी एल, और एक्सटेंडेड लेंथ है, एक्सटेंडेड लेंथ जो है मेरी वो है एक्स। तो देखिए, जब भी हम स्ट्रेच करते हैं तो टेंशन होगी स्ट्रिंग के अंदर, तो टेंशन को हम शो करते हैं किससे, टी से, यानी कि जब भी किसी चीज को स्ट्रेच किया जाता है तो उसमें जो खिंचाव होता है उसे हम बोलते हैं वो क्या है, हमारी टेंशन है। तो देखिए, जैसे ये ओ ए था, ये मैंने इसको स्ट्रेच किया,
तो जब इस इधर मैंने स्ट्रेच किया तो जो टेंशन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। देखिए मैं इसको इधर खींच रहा हूँ, इस डायरेक्शन में, ए से बी की डायरेक्शन में इसको मैं रबड़ को खींच रहा हूँ, तो जो टेंशन होगी वो बी से ए की डायरेक्शन में होगी। देखो मैंने एरो का साइन बनाया हुआ है, वो बी से ए की तरफ बनाया हुआ है, क्योंकि मैं जिस डायरेक्शन में, मैं ए से बी की डायरेक्शन में इसको स्ट्रेच किया है रबड़ को, तो जो टेंशन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी बी से ए की तरफ होगी, और कितनी होगी हमारी, टी होगी, हमने सपोज किया है। तो जो टेंशन है वो हमारी कितनी है, टी है। तो जो ए है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो मैं शो करता हूँ ए से। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या मीन्स है आप देखेंगे, तो जैसे ये हमारी ये रबड़ है आप देख रहे हैं, इस रबड़ के ऊपर जो ये फिगर आपको बन रही है इस वाले केस में, ये देखिए मैं थोड़ा और क्लोज लेके आपके पास आ रहा हूँ, जो ये फिगर बन रही है मेरी रबड़ में, ये रिक्टेंगल बन रही है, रिक्टेंगल टाइप से ये नजर आएगी आपको, रिक्टेंगल बन रही है, रिक्टेंगल की शेप में है, कई बार सर्कल की शेप में हो सकती है, स्क्वायर की शेप में भी हो सकती है। तो जो इसका एरिया होगा, इसे हम बोलते हैं क्या है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं शो कर रहा हूँ ए से। तो हुक्स ने, बाय हुक्स थ्योरी, हुक्स ने कहा था कि जो हमारी जो ये एक्सटेंडेड लेंथ है, यानी जो स्ट्रेच करने के बाद जो लेंथ आती है, वो प्रोपोर्शनल होती है, किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है जो नेचुरल लेंथ है हमारी, यानी कि ये OA, और जितनी हमारी टेंशन आ रही है इन दोनों की प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो यानी एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है LT बाय A के। तो अब यहां से यानी कि एक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, KLT बाय A हो जाएगा, लेकिन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे हम बोलते हैं, जो K की वैल्यू यूज की है, यूज K इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, जो हमने वन जो के की वैल्यू यूज की है, कांस्टेंट की वैल्यू, वो 1 बाय लैम्डा यूज की है हुक्स ने, तो हमारी जो इक्वेशन बन जाती है एक्स इज इक्वल टू LT बाय लैम्डा ए। और अगर मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकालूं, दिस विल इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू, जो आपका टी आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा ए एक्स बाय में एल। तो जो ये लैम्डा है आपका, इसे हम कहते हैं, ये क्या है हमारा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसे हम बोलते हैं, इट इज दी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखिए अगर मैं जो हमारा एरिया स्टैंडर्डाइज हम लेते हैं, लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 यूनिट, 1 यूनिट एरिया है, तो हमारी जो इक्वेशन हो जाती है, जो टी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा इंटू एक्स बाय एल, यानी कि टेंशन इन दिस स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यहां पर आपकी एक्स क्या थी, एक्सटेंडेड लेंथ, और अपोन में एल क्या थी आपकी, नेचुरल लेंथ। तो ये हमारा टेंशन निकालने का जो फार्मूला था, ये हुक्स ने दिया था, तो दैट्स इज वाई इट इज कॉल्ड हुक्स लॉ। तो यानी कि टेंशन जो होती है इलास्टिक स्ट्रिंग के अंदर, वो इक्वल होती है किसके, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू एक्सटेंडेड लेंथ अपॉन में नेचुरल लेंथ। तो ये हमें फार्मूला थ्रू आउट द चैप्टर हम यूज करेंगे, तो हमें यूज करना है, तो ये है हमारा हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ के बाद देखिए, अब सबसे पहले हमारी जो थ्योरम आती है, प्रूव दैट दी वर्क डन अगेंस्ट दिस टेंशन इन स्ट्रेचिंग ए लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन एंड द मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेंशंस। तो क्या कहना चाह रहा है वो, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, मान लो कोई हमारी एक नेचुरल लेंथ ये
ओ है पॉइंट और ये ए पॉइंट है। जैसा कि मैंने अभी एक लेकर भी दिखाई थी आपको इलास्टिक स्ट्रिंग, इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो एल है और इसे हमने स्ट्रेच किया है। इसे हम स्ट्रेच करते हैं दो पॉइंट तक, एक मैं करता हूं बी पॉइंट तक और एक मैं करता हूं सी पॉइंट तक स्ट्रेच। इसे मैं एक मैंने इसको किया सी पॉइंट तक स्ट्रेच किया। तो जो आपका ओ से बी तक का डिस्टेंस है, ओ से बी तक का डिस्टेंस है, इसे मैं शो करता हूँ स्मॉल बी से, और जो ओ से सी तक का डिस्टेंस है इसे मैं शो करता हूँ स्मॉल सी से। तो यानी कि एक्सटेंडेड लेंथ जो बनेगी ए टू बी वो कितनी बनेगी हमारी, वो बनेगी आपकी बी माइनस एल। वैसे बुक में ए ली है तो मैं भी ए ही ले रहा हूं, उससे थोड़ा काम इजी रहेगा आपको समझना। आप बुक में से अगर करेंगे तो नेचुरल लेंथ कितनी भी ले सकते हैं, वो तो हमारी मर्जी है, नोटेशन के हिसाब से लेनी होती है। हमने ए ले लिया, ए कह देते हैं, ए कह दीजिए, एल कह दीजिए, के कह दीजिए। तो ये जो ओ बी, यहाँ पर मैंने ओ बी लिया है स्मॉल बी लिया है, ओ सी लिया है स्मॉल सी लेंथ ली है। तो जो ये एक्सटेंडेड लेंथ आई है ए टू बी, ये कितनी बनेगी आपकी बी माइनस सी बनेगी। और ए टू सी देखिए जो आपकी बनेगी वो कितनी बनेगी, ये आपकी बनेगी, ये टोटल लेंथ देखिए सी है, सी में से किसको माइनस करेंगे ए को, तो ये जो हमारी लेंथ बनेगी ये कितनी बनेगी सी माइनस ए बनेगी। अब देखिए यहाँ पर मैं ये सपोज कर लेता हूँ, हम ए से ओ से ए तक नेचुरल लेंथ थी, मैंने ए से बी तक इसको स्ट्रेच किया और फिर मैं एक बी और सी के बीच में मैंने कोई पॉइंट लिया है पी, ये मैंने कोई पॉइंट लिया है पी। यहाँ तक जो हमारा हमारी जो लेंथ है ओ से लेके पी तक की, टोटल लेंथ जो है ओ से पी तक की, वो कितनी है एक्स है। ये मैंने कोई वेरिएबल पॉइंट लिया है। स्ट्रेच जो हो सकता है, देखिए मैंने एक बार बी तक स्ट्रेच किया और मैक्सिमम स्ट्रेच कहाँ तक हो सकता है, सी तक हो सकता है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैंने एक पॉइंट लिया है पी, वेरिएबल पॉइंट जो मैंने कहीं भी ले लिया, और इसलिए ये जो डिस्टेंस लेंगे हम कितना लेंगे एक्स लेंगे ओ से लेके पी तक का। तो देखिए अब इसे हम कैसे लिखेंगे, लेट ओ बी दी फिक्स्ड पॉइंट एंड ओ ए इज इक्वल टू ए बी दी नेचुरल लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग। इलास्टिक स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है, नेचुरल लेंथ ए है। इट इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट बी एंड पॉइंट सी सच दैट, यानी हमने एक बार बी तक स्ट्रेच किया और एक बार सी तक स्ट्रेच किया, और किस तरीके से किया कि ओ से बी तक का जो डिस्टेंस बनता है वो स्मॉल बी बनता है, ओ से सी तक का जो डिस्टेंस बनता है वो कितना बनता है स्मॉल सी बनता है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारा, यानी कि मैं डिस्टेंस की बात कहूँ, एक्सटेंडेड लेंथ जो बनेगी ए बी, जो ए बी बनेगा हमारा जैसा मैंने फिगर में दिखाया था आपको, वो बी माइनस ए बनेगा, और जो ए सी बनेगा हमारा वो कितना बनेगा सी माइनस ए बनेगा। देखिए ये आपका ए बी बी माइनस ए और ये ए सी सी माइनस ए, क्योंकि टोटल लेंथ सी है ए ओ से सी तक और ओ से ए तक ए है। जो भी काम हो रहा है वो ए के रेफरेंस में हो रहा है, ये ध्यान आपने रखनी है, क्योंकि ओ से ए तक नेचुरल लेंथ है हमारी, तो नेचुरल लेंथ के रेफरेंस में सारा काम होगा। और टी जो है वो हम ले लेते हैं हमारी क्या है टेंशन है, जब इसे स्ट्रेच किया जाएगा तो टी क्या है टेंशन है। तो हम लिख लेते हैं लेट टी बी दी टेंशन इन दी स्ट्रिंग। हमें प्रूव क्या करके दिखाना है, अब आप ये देखिए हमें प्रूव क्या करके दिखाना है, हमें ये प्रूव करके दिखाना है, अब आप आ जाइए कि वर्क डन अगेंस्ट दी टेंशन इन स्ट्रेचिंग ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ
वर्क डन अगेंस्ट दी टेंशन, यानी जो वर्क डन होगा टेंशन के द्वारा, वर्क डन अगेंस्ट दी टेंशन किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन एंड दी मीन ऑफ दी इनिशियल एंड फाइनल टेंशंस। अब देखिए जो इनिशियल टेंशन होगी वो कितनी होगी और जो फाइनल टेंशन होगी वो कितनी टेंशन होगी, यानी जो बी पर है वो इनिशियल टेंशन है और जो सी पर है वो कितनी, वो क्या है हमारी फाइनल टेंशन है। तो हम पहले तो टेंशन निकाल लेते हैं, जो जो वो कह रहा है वो निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ आएगा कि वट वी वॉन्ट टू प्रूव हेयर। तो देखिए अब यहाँ पर टेंशन एट पॉइंट ए, इसे हम शो कर देते हैं टेंशन एट ए, ये किसके इक्वल होगी, बाय हुक्स लॉ से हमें पता है लैम्डा एक्सटेंडेड लेंथ, एक्सटेंडेड लेंथ देखिए कितनी है आपकी एक्सटेंडेड लेंथ, फिर देखिए यहाँ पर एक्सटेंडेड लेंथ हमें बी पर बात कर रहे हैं, तो एक्सटेंडेड ओ ए नेचुरल लेंथ थी, आपने पहले बी तक स्ट्रेच किया है, तो एक्सटेंडेड लेंथ कितनी होगी ये ए बी, ये कितनी है हमारी बी माइनस ए, और नेचुरल लेंथ कितनी है हमारी ओ ए यानी कि ए, यानी ये आपकी हो जाएगी बी माइनस ए बाय ए। इसी तरीके से जो टेंशन होगी एट पॉइंट सी, सॉरी ये बी पर निकाल ली थी हमने टेंशन एट पॉइंट बी, बी पर टेंशन हमने निकाली है, अब एट पॉइंट सी पर निकाल रहे हैं, ए पर तो टेंशन जीरो होगी क्योंकि ये देखिए ए तो ये पॉइंट है, यहाँ पर तो कोई स्ट्रेचेबिलिटी है, जब स्ट्रेचेबिलिटी होती है तभी तो टेंशन होती है, तो टेंशन यहाँ होगी एक, एक टेंशन यहाँ होगी, तो टेंशन यहाँ पे बी और टेंशन एट सी पर कितनी टेंशन होगी, देखिए ए से सी तक कितनी लेंथ एक्सटेंड हुई है सी माइनस ए, और यहाँ नेचुरल लेंथ कितनी है ए, देखिए एक्सटेंडेड लेंथ हमेशा जहाँ नेचुरल लेंथ खत्म हो रही है वहां से ही मेजर की जाएगी, यानी ए सी, ए सी कितनी है सी माइनस ए, ये आपने निकाल ली भी है, देखिए ए सी इक्वल टू सी माइनस ए, तो ये क्या जाएगा हुक्स लॉ से लैम्डा सी माइनस ए बाय ए। अब हमें देखिए उसने क्वेश्चन में ये प्रूव करने के लिए कहा है कि वर्क डन जो होगा, वर्क डन बाय दी टेंशन वो इक्वल होगा किसके, एक्स प्रोडक्ट, किसकी प्रोडक्ट एक्सटेंशन की प्रोडक्ट, किससे टेंशन एट द इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट क्या है बी, एंड टेंशन एट द फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट क्या है सी, इन दोनों का मीन, यानी कि 1 बाय इन दोनों का मीन का मतलब इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये हमें प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव। तो अब देखिए क्वेश्चन को फिर से समझिए, क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहा है कि प्रूव दैट द वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन इन स्ट्रिंग, इन स्ट्रेचिंग ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन, प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन एंड दी मीन ऑफ दी इनिशियल एंड फाइनल टेंशन। तो देखिए एक टेंशन बी पॉइंट पर, एक टेंशन सी पॉइंट पर, बी हमारा इनिशियल पॉइंट कहलाएगा, सी मेरा फाइनल पॉइंट कहलाएगा, बी पॉइंट पे जो टेंशन होगी वो मैंने टी बी से शो की है यानी टी बी, और जो सी पे टेंशन है वो मैंने किससे शो की है टी सी से शो की है। तो जो ये टेंशन हमने निकाली है बी पर और जो सी पर टेंशन आएगी, इन दोनों के मीन को, यानी मीन क्या होगा टी बी प्लस टी सी बाय 2, इन दोनों के मीन को किससे मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करनी है इसकी एक्सटेंशन से, एक्सटेंशन कौन सी कहलाएगी बी से सी तक की, बी से सी तक की एक्सटेंशन कहलाएगी। अब बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है, अगर आप देखें तो बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है, टोटल जो डिस्टेंस आपका सी है ओ से और ये टोटल डिस्टेंस बी है, तो ये कितना बनेगा, सी में से हमको बी को माइनस करना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारा सी माइनस बी, तो ये हमारा डिस्टेंस बनेगा सी माइनस बी, क्योंकि ओ से सी तक देखिए सी है, ओ से बी तक बी है, तो इस पूरे में से इतना हम माइनस करेंगे यानी सी में से बी माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा बी सी, सी माइनस बी यानी कि एक्सटेंडेड लेंथ हमारी क्या है बी सी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्ट्रेच करने पे। तो वो हम, हमें ये प्रूव करना है, इट मीन्स कि एक्सटेंशन सी माइनस बी जो बनी, और यहाँ पर जो टेंशन
आएगी हमारी बी पॉइंट पर, और जो टेंशन आई है सी पॉइंट पे डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होगा, यानी इक्वल होगा किसके, सी माइनस बी। ये 1/2 बाहर लिख लें अगर हम, तो ये हमारी टेंशन बी पर कितनी आई है, देखिए बी पर आई है लैम्डा बी माइनस ए बाय ए प्लस लैम्डा सी माइनस ए बाय ए। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है, देखिए ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, ये आपका रिक्वायर्ड टू प्रूव है, ये क्वेश्चन लिखा हमने, यानी ये प्रूव करना है। तो अभी हमने जो जो चीज़ें जरूरत थी वो निकाली भी है, देखिए सब चीज़ें मैंने आपको बताई है, नेचुरल लेंथ थी, एक्सटेंड किया उसको 2 बार, एक बार बी तक और एक बार सी तक, सी तक एक्सटेंड किया है। उसके बाद जो हमने उसके एक्सटेंडेड लेंथ है वो निकाली है, टेंशन निकाली है बी पर कितनी होगी और सी पर कितनी होगी उकसला से, अब हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर ये आप देखेंगे, देखिए फिर दोबारा से समझा रहा हूँ, ये ओ ए हमारी नेचुरल लेंथ है, ओ ए जो है हमारी नेचुरल लेंथ है, इसे एक बार एक्सटेंड किया मैंने कहाँ तक, बी तक, बी पॉइंट तक, ये देखिए बी पॉइंट, यानी कि मैंने इसे एक्सटेंड किया है कहाँ तक, बी तक एक्सटेंड किया है, हालांकि ये वो ये ए तक नेचुरल लेंथ थी, अब इसको मैंने एक्सटेंड किया कहाँ तक, बी तक एक्सटेंड किया एक बार, और दूसरी बार कहाँ तक एक्सटेंड किया, जहाँ तक हो सकती है, बस ये सी तक ही हो सकती है एक्सटेंड, इससे आगे करूँगा तो ब्रेक हो जाएगी, यानी उस पॉइंट तक किया जहाँ तक ये ब्रेक नहीं हो जाती। तो 2 पॉइंट तक किया मैंने, बी पॉइंट तक, एक बार सी पॉइंट तक। अब देखिए बी पॉइंट पर मैंने टेंशन टी बी मानी है और सी पॉइंट पर टेंशन टी सी मानी है, बी पर जो टेंशन है वो निकाली और सी पर जो टेंशन है मैंने वो निकाली है। अब देखिए मैं सपोज, अब मुझे वर्क डन निकालना है, वर्क डन के लिए क्या किया मैंने, बी सी के बीच में कोई भी पॉइंट लिया, यानी ये मैंने ले लिया, देखिए पी पॉइंट लिया, तो ये जो मेरी लेंथ है ओ से लेके, ये ओ से लेके, ये ओ पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ओ से लेके पी तक की ये कितनी है मेरी, एक्स मान रहा हूँ मैं, क्योंकि ये वेरिएबल है, देखिए ये यहाँ भी ले सकता हूँ मैं पॉइंट, यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, या यहाँ भी, या इससे पहले भी कहीं भी ले सकता हूँ, मतलब कि कहने का, तो मैंने अपनी मर्जी से कहीं भी वेरिएबल पॉइंट लिया पी, तो यहाँ पर जिसका डिस्टेंस जो मैंने ओ पी लिया है वो कितना लिया है, एक्स लिया है। अब इसी के नेबरहुड में मैं दूसरा पॉइंट लूंगा थोड़ा सा स्ट्रेच करके, उसे मैं कहूंगा क्यू है। तो देखिए ये मैंने जो पॉइंट लिया, ये जो दूसरा पॉइंट लिया, ये मैंने क्यू लिया और इस तरीके से लिया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डेल एक्स है, यानी कि बहुत स्मॉल है, यानी कि थोड़ा सा चेंज है एक्स में। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे कैसे, अब हम लेट पी बी एनी पॉइंट बिटवीन बी एंड सी सच दैट ओ पी इज इक्वल टू एक्स। तो ओ पी एक्स है हमारा, ये हमने लिया है। तो अब एक्सटेंडेड लेंथ यहाँ पर जो आएगी इस केस में, एक्सटेंडेड लेंथ जो आएगी इस केस में देखिए, यानी कि कहने का मीन्स ये है हमारी एक्सटेंडेड लेंथ का मतलब, ये बी पी जो आएगी ये एक्सटेंडेड लेंथ है अब आपकी, क्योंकि आप बी से पी तक गए हैं, तो वो कितनी आएगी हमारी एक्सटेंड लेंथ, ये देखिए ओ से पी तक आपने एक्स सपोज किया है, ओ से पी तक आपने एक्स सपोज किया है, और ये बी पी कितने, और ये ओ से ए तक कितना है हमारा, ए है, सॉरी ये बी पी नहीं, ए पी आएगी, ए पी, ए पी, ये ए पी जो आप नजर आ रहे हैं, क्योंकि ए के रेफरेंस में मेजर होगा सब चीज़। तो ये ए पी जो है हमारी एक्सटेंडेड लेंथ है ये कितनी आएगी, देखिए ओ पी को आपने एक्स माना है, ओ ए ए है, तो ये कितनी आएगी, ए पी एक्स माइनस ए आएगी, ए पी कितनी आएगी हमारी, एक्स माइनस ए आएगी। यहाँ पर देखिए अगर देखिए अगर आप कन्फ्यूज ना हो तो मैं इसे यहाँ दोबारा से बना लेता हूँ, ये आपका ओ पॉइंट था, ये आपका ए ओ पॉइंट था, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका मान लीजिए सी पॉइंट है, पी पॉइंट मैंने इसको लिया है, तो जो ये ओ पी है इस ओ पी को मैंने माना है एक्स, और ये ओ ए आपका ए है, तो नेचुरल सी बात है ये ए पी जो होगा इस टोटल लेंथ में से इसको माइनस करेंगे, यानी एक्स में से ए को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, एक्स माइनस ए आ जाएगा। तो ये हमारा आया है एक्स माइनस ए। अब जो टेंशन होगी एक्स पर, देखिए जो टेंशन होगी किस पर,
पी पॉइंट पर, सॉरी। तो टेंशन एट पॉइंट पी किसके इक्वल होगी, लैम्डा नेचुरल लेंथ, सॉरी एक्सटेंडेड लेंथ कितनी है, एक्स माइनस ए बाय में नेचुरल लेंथ कितनी है हमारी, ए है। तो ये हमारी टेंशन होगी पॉइंट पी पर। अब देखिए मैं क्या ले लेता हूँ, क्यू, मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ इन नेबरहुड ऑफ पी। क्यू इज द नेबरहुड पॉइंट सच दैट, जो ये पी क्यू का डिस्टेंस है ये कितना है, डेल एक्स है, यानी बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। तो स्मॉल चेंज इन एक्स यानी बहुत छोटा चेंज एक्स के बराबर, जो यानी कि बहुत कम जितना हो सके उतने नेबरहुड में लिया, और ये हमने क्या इसको शो किया किससे, डेल एक्स से। तो ये हमारा पी से क्यू तक हम गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है जो वर्क डन का फार्मूला होता है, तो देखिए वर्क डन इन स्ट्रेचिंग फ्रॉम बी टू सी तक, हम जो स्ट्रेच करेंगे उसमें वर्क डन का जो फार्मूला, पहले वर्क डन इन स्ट्रेचिंग फ्रॉम पी टू क्यू कितना बनेगा, देखिए कितना बनेगा यहाँ पर वर्क डन का जो हमारा फार्मूला हमें यूज करेंगे स्ट्रेच करने में, जो हमारी यूज हुई है यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम पढ़कर आए हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा फार्मूला होता है वर्क डन का। तो यहाँ पर फोर्स किस फॉर्म में लग रहा है हमारा, फोर्स किस फॉर्म में लग रहा है, टेंशन की फॉर्म में लग रहा है आपका फोर्स। तो यहाँ पर जो वर्क जो टेंशन है यानी कहाँ है हमारी टेंशन, टेंशन एट पॉइंट पी इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है हमारी, डेल एक्स हुई है। तो हमारी जो ये टेंशन आई थी पी पॉइंट पर, या आपकी आई थी लैम्डा एक्स माइनस ए बाय में ए, और इंटू में ये डेल एक्स हमारा ये आ जाएगा। तो ये हमने वेरिएबल निकाल लिया यानी कि बी से, हमने बी पी से क्यू तक को कहाँ लिए थे पॉइंट, बी और सी के बीच में, अब हमें बी से सी तक का निकालना है वर्क डन। तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि इसी पार्ट का इंटीग्रेशन हो जाएगा, लैम्डा एक्स माइनस ए बाय ए, और ये क्या लग जाएगा, डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक जाना है हमें, बी से सी तक, लेंथ है ना ए, ओ टू सी सी है और ओ टू बी बी है। तो ये हमारा अब इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ पर, लैम्डा बाय ए आपका कॉन्स्टेंट है, ये एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन एक्स माइनस ए की स्क्वायर बाय में टू आएगा, लिमिट पुट करेंगे बी टू सी। तो देखिए यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, लैम्डा बाय ए टू बाहर ले लेंगे, तो ये आपका बनेगा सी माइनस ए का स्क्वायर, और माइनस एक बार बी पुट करेंगे तो बी माइनस ए का स्क्वायर। अब यहाँ पर लैम्डा बाय टू ए ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाऊंगा, सी माइनस ए माइनस बी माइनस ए करूंगा तो माइनस बी प्लस आपका ए हो जाएगा, और यहाँ पर फिर मैं सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए ये मैंने फार्मूला लगाया। अब यहाँ पर देखिए ए से ए कैंसिल हो रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा बाय टू ए सी माइनस बी, और ये आपका आ गया सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अब ये आपका आ जाएगा सी माइनस बी को मैं पहले लिख लेता हूँ, और ये वन बाय टू को ऐसे लिखकर, और लैम्डा बाय ए को इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इससे भी, तो लैम्डा सी माइनस ए बाय ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए बाय ए आपका आएगा, यानी कि ये हमें हमने प्रूव कर दिया सी माइनस बी वन बाय टू टेंशन एट पॉइंट सी प्लस टेंशन एट पॉइंट बी, यानी कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है, एक्सटेंडेड लेंथ सी माइनस बी और मीन ऑफ टेंशन एट पॉइंट बी एंड टेंशन एट पॉइंट सी का मीन करने के लिए दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय टू किया है, और यही हमें प्रूव करना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, हम थ्रू आउट द क्वेश्चन इसको यूज करेंगे। I'm gonna be a